मेरा पार्सल आने वाला था, तुमने रिसीव किया क्या? नहीं बाजी, मैंने तो कोई पार्सल रिसीव नहीं किया। अच्छा, लेकिन मुझे तो मैसेज आया है कि डिलीवर हो चुका है। बेबी जी? हाँ बेबी जी, कहीं है वही पार्सल तो नहीं जिसके लिए आप कल मुझसे पूछ रही थी? ये तो वो ही है। ये तुम्हें कहाँ से मिला है? वो बीबी जी, मुझे ना ये हरीन बीबी के कमरे की सफाई करते हुए बेड के नीचे से मिला है। इसकी हालत ऐसी किसने की है? पता नहीं बीबी जी। बेबी जी, वो आप मेरा नहीं बताइएगा कि मैंने आपको लाकर दिया है, वरना ये लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। चाहो तुम यहां से। सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से। से है? यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूं कि ये क्या हरकत है। मैं जानती हूं तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, लेकिन इसमें मेरे आने वाले बच्चे का क्या कसूर है? उस पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हो तुम? भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? आप होश में तो हैं? मैं तो होश में हूँ, लगते तुम अपने हवास खो बैठी हो। तभी तुम मेरे बच्चे के लिए इतनी नफरत दिखा रही हो, जो सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारे भाई की भी औलाद है। क्या हुआ अमरीन, व्हाट्स रॉन्ग? ये तो आप अपनी बहन से पूछे, व्हाट्स रॉन्ग विद हर? क्यों पड़ी है मेरे पीछे? ये इतने दिनों से इसका एरोगेंट बिहेवियर बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, मगर इसने मेरी बर्दाश्त का गलत मतलब निकाला है। ये देखें, जिस पार्सल की वजह से मैं परेशान थी, इसके बेड के नीचे से मिला है मुझे, और देखिए इसने क्या हशर किया है मेरी चीजों का। भाई, ये मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो तुम, मैं जानती हूँ तुम ही नहीं किए। क्या बिगाड़े मेरे बच्चे ने तुम्हारा? तुम इतनी नफरत करती हो उस नन्ही सी जान से? भाभी, मेरी बात का यकीन करे, मैंने नहीं किया। ये मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में कैसे आया। I can't believe this, Harin. ये सब तुम क्या कर रही हो? भाई, मेरी बात का यकीन करें, मैंने नहीं किया ये सब कुछ। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझे, और तुम मुझे ये सिला दे रही हो मेरे प्यार का। भाभी, आप प्लीज सब्र करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप इस तरह से खुद को क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। हाँ, ये ले, प्लीज पानी से। भाभी नहीं पीना मुझे पानी।
कैसी तबीयत है? तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जाओ यहाँ से। आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? नुकसान तो आपको हरीन ने पहुंचाया है, मैंने थोड़ी। नाराज तो आपको उससे होना चाहिए। वैसे मुझे बहुत अफसोस हुआ, आपने हरीम को इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, हमेशा उसकी हर बात मानी, लेकिन उसने फिर भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहा, और स्पेशली इस बच्चे को जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं। दुख है वैसे मुझे, खाला ने उसकी बहुत ही बुरी तरबियत की है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी? जाओ यहाँ से। क्या हो गया, रिलैक्स करें। मैं तो बस ये देखने आई थी कि आपने नाश्ता खत्म किया कि नहीं। कल तक तो बहुत बातें मुझे सुना रही थी, तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगी, आज तो मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता भी कर लिया। वेरी नाइस। क्या 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 किया शाजमा तुमने, बताओ मुझे। मेरे नाश्ते में कुछ मिला है? बताओ मुझे, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, बताओ क्या मिला है मेरे नाश्ते में। मैक्स भाभी बताती हूँ, वैसे मुझे बताने की क्या जरूरत है, थोड़ी देर में आपको खुद ही पता चल जाएगा। एंजॉय शाजमा। हेलो अम्मी, अली घर पर है क्या? आप उसे लेकर जल्दी से यहाँ पर आ जाए, मैंने हॉस्पिटल जाना है, जल्दी आ जाए प्लीज। आप मेरा फोन नहीं उठा रहे, जल्दी आ जाए आप प्लीज। अमरीन बेटे क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना, सब खैरियत तो है? नहीं अम्मी, कुछ भी ठीक नहीं है, शाजमा ने मेरे नाश्ते में कुछ मिला दिए। क्या? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, अम्मी हम जल्दी से आ जाए। तुम परेशान ना हो, संभालो खुद को, मैं और अली निकलते हैं तुम्हारी तरफ, बिल्कुल परेशान ना हो। और ये बताओ तुम्हारी सास कहाँ है? मैं उन्हीं के पास ही जा रही हूँ, बस आप जल्दी से आ जाए। तुम फोन रखो, मैं आ रही हूँ। CTG is not good. There is no heartbeat. क्या कह रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, और ऐसे सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। मैंने लास्ट विजिट में आपको ये बात वार्न की थी। Anyways, I'm so sorry for your loss. ये सब अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। किसी जान का इस दुनिया में आना या ना आना, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। आप एडमिन में चले जाएं, यू नीड टू साइन सम पेपर्स, देन आगे का प्रोसीजर इसके बाद ही होगा। इतनी देर हो गई है, चेकअप करने में इतनी देर क्यों लग रही है इन्हें? अंदर भी तो नहीं जाने दे रहे मुझे। मेरी बेटी अकेली है,
पता नहीं क्या हालत होगी उसकी। मैं जाकर बात करती हूँ थोड़ी देर के लिए, सही मुझे अंदर जाने दे। क्या कर रही हैं अम्मी आप, यहीं रुकें। अफ़ान भाई के अलावा किसी और के अंदर जाना अलाउ नहीं है, वो हमारे लिए अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करेंगी। आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तसल्ली रखें। क्या हुआ अफ़ान, लमरीन ठीक तो है ना? क्या हुआ अफ़ान, बोल क्यों नहीं रहे, खामोश क्यों हो? क्या कहा डॉक्टर्स ने, सब खैरियत तो है ना? हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अपने माँ बाप से नाराज है। किसकी नजर खा गए मेरे घर। आपकी खुशियों का कातिल तो आपके सामने खड़ा। शायद आपको ही नजर नहीं आ रहा, या फिर आप जानबूझकर देखना ही नहीं चाहती। मेरी बेटी तो पराई, उसका तो उसकी परेशानी सबसे अनजान रही आप, लेकिन अफ़ान तो आपका सगा बेटा था ना, उसकी तकलीफ भी नजर नहीं आई आपको। आपके खातिर ये लोग उस घर में वापस आए थे, लेकिन आपने जरा ख्याल नहीं रखा इन लोगों का। आंटी ये हॉस्पिटल है, कुछ तो ख्याल करें, ये वक्त नहीं है इन बातों का। तुम चुप करो, मैं तुमसे मुखातिब नहीं हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है सबकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की गोद उजड़ गई है। ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। इसकी वजह से मेरी बेटी की औलाद उससे छिन गई है। बेटी ने अमरीन को कुछ खाने में मिला के दिया था। क्या कह रही हैं आप? आंटी आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपका एहतराम करती हूँ, लिहाज करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी कहें। अच्छा, तुम जो जी चाहे करती रहो, हम बात भी नहीं कर सकते इस बारे में। ज़िशान आप देख रहे हैं आंटी मुझे क्या कह रही हैं। ज़ैनब क्या हो गया आपको,
क्यों इस किस्म की बातें कर रही हैं? ये कोई मौका है, कुछ तो ख्याल कीजिए। ख्याल ही तो करती आई हूँ अब तक, इसीलिए चुप रही। कभी आपके घर के अंदरूनी मामलों में मैंने मदाखलत नहीं की, लेकिन लेकिन आज आज मेरी बेटी की औलाद छिन गई है उससे, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। बस बस करें अम्मी, छोड़ दे, कोई फायदा नहीं। देख रहे हैं ना भाई आप, सब कुछ आपके सामने है, इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं कहा। यार इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आना, मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं। तुम अम्मी को लेके फिर जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे।